अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ध्यान से देखना। अब ये रेरर मीडियम है, स्पीड लाइट की C1 है, डेंसर मीडियम है, स्पीड कितनी है, C2 है। वेव फ्रंट आया, जब ये वेव फ्रंट आया, मान लो पानी की सरफेस स्टार्ट होगी, नीचे वाटर है मान लो। अब वेव फ्रंट यहाँ पे टकरा गया, अब हुआ क्या, इसने अपना रास्ता बेंड कर लिया टूवर्ड्स नॉर्मल, ये डिस्टर्बेंस तो मुड़ गई। अब ये अभी सीधा ही ट्रेवल करेगी क्योंकि इसका मीडियम अभी चेंज नहीं हुआ। तो फिर इसने क्या बोला, इस डिस्टर्बेंस ने इसे क्या बोला, एक काम कर, तू तो चल पानी में, मैं अभी आ रही हूँ, जब हम इकट्ठे पानी में आ जाएंगे फिर नया वेव फ्रंट तैयार कर लेंगे, कि बनना तो प्लेन है। तो कैसे बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा कि ये एक वेव फ्रंट आया और ये जो वेव फ्रंट है ये आगे ट्रेवल करेगा, मींस ये डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगी, और टी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगी, C1t। अब टाइम टी लगा इसे यहां से यहां आने में, उस टी टाइम में इस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, C2t, C1t की जगह C2t, क्योंकि स्पीड डिफरेंट है, वहां C1 स्पीड है, यहां C2 स्पीड है, तो C1t की जगह C2t। क्लियर है यहां तक, तो ये कर लिया। अब ये डिस्टर्बेंस जब यहां पर आई तो नेक्स्ट वेव फ्रंट का स्टार्टिंग पॉइंट तो यही बन गया, एंडिंग पॉइंट क्या था, हाइगन ने फिर कंपास खोला, उसको पता था कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो चुका है, C2t, तो C2t का आर्क मार दिया, ये वेवलेट की तरह काम कर रहा है, और ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ किया, नया वेव फ्रंट बन गया, उसके बाद वेव फ्रंट प्लेन नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है और ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बना, क्लियर है। तब तक नहीं बनेगा जब तक सारी डिस्टर्बेंसेस डेंसर मीडियम में ट्रेवल नहीं करती, बीच में कोई वेव फ्रंट नहीं है। एज यूजुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ क्या बनाए, इस रे ने आए तो ये कितने 90 माइनस आए, और ये कितने आए, ऐसी अगर ये आर है तो ये कितने 90 माइनस आर, तो ये क्या है आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस टॉपिक में अगर आप एक ये ट्राइंगल लें, राइट एंगल ट्राइंगल ये ले लें, इसके अंदर साइन आए, साइन आए को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है C1t और ये क्या था C2t, तो साइन आए आएगा C1t डिवाइडेड बाय AA डैश, C1t डिवाइडेड बाय AA डैश। ऐसी साइन ऑफ आर क्या आएगा, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू C2t डिवाइडेड बाय अगेन AA डैश। इन्हें डिवाइड करेंगे, साइन आए बाय साइन आर की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी, C1 बाय C2। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव आंसर। तो सही किया उसने, सही है यहाँ तक, बायोमेट्री से प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी, यानी कि वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट, वेव थ्योरी एकदम सही है, क्लियर है। तो इसके अंदर यही किया हुआ है, चेक करो, साइन आई ले लिया, साइन आर ले लिया, दोनों को डिवाइड किया, म्यू आ गया, और मैंने बता दिया इसमें म्यू कैसे आया, ठीक है यहाँ तक।